दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लोग बनारस के एक गली में मौजूद हैं, पटनी टोला। यहीं से ठीक बगल में संकटा जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि काशी में मंदिरों का एक पूरा गढ़ है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि भैया यहाँ पे इतनी समस्या है कि कोई आता नहीं है, अधिकारी भी एकदम सुस्त पड़े हैं। एक जो नई डिपार्टमेंट बनी स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट बनाने के नाम पर लोगों को कितना बेवकूफ बना रही है और लोग इससे कितने पंगु हो चुके हैं, उसका नज़ारा हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए, जैसे इस गली की बात करें तो पिछले 5-6 महीने से ये गली में इसी तरह के हालात पैदा किए गए हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि अपने घरों से नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। जगह जगह पर गड्ढे छोड़े गए हैं, इस बात की तस्दीक ये गड्ढे ही कर रहे हैं, और इतनी गंदगी है कि इस गली में आप पैदल नहीं आ सकते, और पैदल नहीं आ सकते तो किसी गाड़ी के सहारे भी नहीं आ सकते, क्योंकि इस तरह से रास्ते नहीं हैं कि गाड़ियां यहां पर चल पाएं। और जिस तरह की गंदगी है, उस गंदगी का आलम आपको सिर्फ यही बयां कर रहा है कि स्मार्ट सिटी वालों ने क्या खेल किया है इस शहर के लोगों के साथ। और जैसा बीच बीच में आप देखिए कि रेत गिरा दी गई है, तो यहां से फिसलने का और चलने में गिरने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। तो हम उन बुजुर्गों से बात करते हैं। यहाँ पे दरअसल कई ऐसे परिवार हैं जो इस पूरी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं कि वो टूटी फूटी इन सड़कों में या रास्तों में, इनको सड़क तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इन रास्तों पर वो कैसे चलते होंगे। कई लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। ये तमाम ऐसे गड्ढे छोड़े गए हैं जो स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के नायाब तरकीब निकाल कर काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का सपना था कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना है और उस तरह से बहुत सारी परियोजनाओं से शहरवासियों को लाभान्वित करने की योजना थी, लेकिन ये पलीता लगा रहे हैं सारे अधिकारी लोग और इस दर्द को झेल रहे हैं, इस दंश को झेल रहे हैं यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं। बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या स्थिति है अभी इस गली? भैया बुरा हाल है। मेरी शादी को 60 वर्ष के होने को आ रहा है। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा गली का नज़ारा कभी नहीं देखा। न घर से बाहर निकल सकते, न जा सकते हैं। बच्चे लोग की गाड़ी कहीं किराए पर पड़ी भई है। एक तो काम धंधा ठप है, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ गए, और हमको डॉक्टर के यहाँ भी जाना है तो हम निकल नहीं सकते हैं। और खुद ही आप देखिए क्या हाल है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा है बनारस, तो इस वजह से आप लोगों को लगता नहीं कि थोड़ा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है? क्या हो रहा है, जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ नरक में रह रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी जहाँ बाहर वो एरिया में बन रही है, लोग आएंगे गाड़ी से निकल जाएंगे, सर से फिर चले जाएंगे, वो देखेंगे हाँ बनारस बढ़िया है। अरे भैया, हम भी पुरानी गली बढ़िया रही, तुम वही बना दो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी ये स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी है नरक का ढेर, ये कुंड कीचड़ मट्टू बाली, ये सब ये स्मार्ट सिटी है। हमें नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, हमारा समय ही अच्छा रहा। क्या हो रहा है, ये महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, हर जगह स्मार्ट सिटी का झंडा गाड़ रहे हैं। अरे गली में आके झाको, इंक्वायरी करो, खाली बाहर बार कौन कौन आता है? नेता लोग नहीं आता? कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं है। वोट लेने तो आते होंगे? वोट के मैं छोड़ दीजिए, तो हाथ जोड़ जोड़ के माता जी पिताजी सब हो जाता है, फिर उसके बाद सकल 5 साल नहीं दिखती, हो गया। जय राम जी। तो जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो देश के विकास में इतना योगदान तो दे ही सकते हैं, इस वजह से महंगा पेट्रोल 350 की गैस आज 1000 में हो गई। भूखे मरो, कच्चा आटा लेके फाक लो खाली, आई बात समझ में? कौन सी सस्ती भाई है, हमें जवाब दो, कौन सी सस्ती भाई है? हर चीज में तो आग लगी है। दाल लो, चावल लो, आटा लो, घी लो, तेल लो, पेट्रोल लो, क्या खाएंगे? 1000 रुपए की गैस, मरेंगे, कच्चा खाएंगे उसको? ये नहीं समझ में आ रहा है? 2 साल से काम धंधा सब ठप बैठा है, लड़कों को 4 पैसा की कमाई नहीं है। हम लोग इज्जतदार लोग घर में बैठ के मर रहे हैं, गरीब तो फिर भी चार जगह जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, हम कहाँ जाएं इस बुढ़ौती में, हम कहाँ जाएं? क्या हम ये कर लेंगे? जवाब दीजिए, ये स्मार्ट सिटी है? ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। तो ये इनका गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए भी जाहिर है कि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं और वो आ भी रहे हैं, 15 जुलाई को उनका पूरा कार्यक्रम है, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बनारस कितना बदल गया है। देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग और विश्वनाथ कॉरिडोर, और इसी के ठीक बगल में ये गली, ये चीख रहे, चिल्ला रहे यहाँ के लोग। ये अम्मा बता रही हैं कि हमें वो पुरानी गली हमारी लौटा दो, लेकिन हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। तो जैसे प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं कि काम तो हो रहा है, लेकिन वो सब आप लोगों को कैसा क्यों लगता है कि हमारे यहाँ काम? हम ऐसा बेटा, हम जहाँ रहेंगे, हम जितनी दूर जाएंगे, कहते हैं जब घर में चिराग जलता है
तब चानना होता है। हमको दूर की लाइट ट्यूब लाइट फलाना ढिकाना नहीं, स्ट्रीट लाइट से मतलब नहीं है। पहले हमारे घर में चिराग जलना चाहिए। हमारे घर में तो अंधेरा छाया गया है, हम क्या करें? हम पहले ना पहले हम अपना पेट देखेंगे ना। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पहले वो देखेंगे ना कि हम जाएंगे फलानी जगह ये हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है। हम ये नहीं जानते हैं। इतनी ज़िंदगी में कभी किल्लत नहीं सही जो आज हम लोग झेल रहे हैं। इतना यहाँ पर था, एक नहीं आप बंदे मंदे से पूछिए, सब आपको यही कहेंगे। तो अधिकारी इतने ढीठ कैसे हो गए? अब आप क्या है देखिए ना, सामने तो आप देख रहे हैं, कितना कोई करेगा भैया? हम लोग का शरीर तो चलता ही, लड़के लोग बेचारे जाते हैं फोन करते हैं, क्या हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए ना आप सामने। अगर सुनवाई होती तो आज ये नौबत होती 8 महीने से? ये नौबत कभी नहीं होती, हरगिज नहीं होती। ठीक है तो नहीं, रोया रोया हम लोग का दुखी हो गया है। इसलिए हम बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए उनको परेशानी, गली कैसे पार करें, गाड़ी आ ही नहीं सकती है, जा ही नहीं सकते हैं। बोलिए क्या करें? ठीक है आंटी, आप ये बताएं कि क्या स्थिति है, इस तरह की जो सिचुएशन है कैसा आप लोगों को यहाँ पे? हम लोगों को तो बहुत ख़राब लग रहा है। हम लोग तो घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं। हम तो बिल्कुल घुटने से, जो हम लोग को घुटने के पैर के प्रॉब्लम है, तो हम लोग घर के बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और वो सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहे हैं, ना गाड़ी से निकल पा रहे हैं। ये परिस्थिति कब से बनी है? ये नवंबर से है। नवंबर से किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली? नहीं, यहाँ पर तो अभी कोई भी इंक्वायरी यहाँ पर नहीं आई। हम लोग ने बहुत कहा भी, यहाँ पर कोई इसका ही विधायक कौन है इधर का? इधर का विधायक है संतोष शर्मा। नहीं, वो तो सभासद, सभासद सॉरी, विधायक का एमएलए कौन है? एमएलए भैया ये दक्षिणी में आता है, उत्तरी में ये तो भैया बाप। अच्छा ठीक है, ये विधायक को नहीं जानती हैं, क्योंकि विधायक हो सकता है कभी आए ही ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि विधायक कौन है? आप बताएं कि जिस तरह की परेशानी है इतने दिनों से, तो कहीं कोई शिकायत नहीं हुआ? शिकायत सब हुआ, कोई सुनता नहीं भैया। और हम लोग तो, हमारा तो कोचिंग हम चलाते थे, हमारे सब बच्चे उससे ठप हो गए। हमें समय समझ लिए खाने के लिए परेशान है, आने जाने के बच्चे आ नहीं सके, पूरे गड्ढे खुदे हुए थे जनवरी के महीने में। जनवरी से हमारे जो बच्चे छूटे, एक बच्चा नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम। किस तरह की कोचिंग कराते हैं? कोचिंग हम घर में पढ़ाते थे बच्चों को, ट्यूटर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल 8 तक 9 तक सब बच्चे आते थे। आज सब बच्चे, छोटे बच्चे आ ही नहीं सकते रहे, सब गार्जियन छोड़ छोड़ के बैठ गए। हम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं, मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिल रही। राशन भी मिल रहा, एकदम सड़ा हुआ गेहूँ है, वो भी हम लोग को दिखाना चाहिए। तो इसी बात के लिए तो विज्ञापन पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं कि आप लोगों को राशन मिल रहा है, सारी व्यवस्था मिल रही है। राशन जो मिल रहा है ना, वो भी आधा मिल रहा है। जैसे अगर एक घर पे 4 सदस्य हैं तो 20 किलो मिलना चाहिए, तो राशन वाला 15 किलो ही बस देता है। कहता है कि उसमें भी अगर जैसे पापा जाते हैं तो दे देता है, लेकिन भैया जाता तो गर्म खून है, जवान खून, गर्म खून, तो उन लोग को, उसको कहता है कि तुम्हें नहीं देंगे, जाओ, क्योंकि वो बोल देता है कि पूरा राशन दो तो वो आधा ही देगा, तुम्हारा नहीं है। गेहूं एकदम घून कीड़ा लगा हुआ, चावल में भी आधा आधा चावल, आधा घून, आधा कीड़ा, आधा गंदगी, तो क्या खाएंगे हम लोग? बीनेंगे कि खाएंगे? समस्या कहते हैं कोरोना है, कोरोना है, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, ये गली कोरोना नहीं आएगी, ये प्रदूषण नहीं है, कोरोना से मरेगा कि ये गंदगी से मरेगा इंसान? अगर हम लोग आज ही देखिए, हम गिर गए, चोट लग गई, पैर फट गया, तो इस ये गली की दशा अगर ऐसी ही रहेगी, तो हम लोग जब यंग लोग नहीं चल पा रहे हैं तो बुजुर्ग लोग क्या चलेंगे? तो भैया ये अधिकारी लोगों का जो करामात है, वो सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को भी सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि इस तरह की स्थिति है कि जिस राशन के, जिस व्यवस्था की आप ढिंडोरे पीट रहे हो, जिसके विज्ञापन पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो दरअसल जनता को किस रूप में मिल रहा है, वो हकीकत वो महिला बयां कर रही थी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा समझते हैं गली कौन सी है और व्यवस्था इतनी चरमराई है, ये कब से व्यवस्था ऐसी है? ये 26 जनवरी से यहाँ इन लोगों ने, स्मार्ट सिटी वालों ने काम शुरू किया, और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खोद खाद करके इतना करके चले गए। उसके बाद फिर कई चरणों में इन्होंने काम किया, कभी आकर के इन्होंने गिट्टी की ढलैया किया, कभी आकर के इन्होंने पाइप डाला, कभी कुछ किया, कई चरण में किया, और आखिर में ऐसे ही सब छोड़ छाड़ करके चले गए। इन सब चीज़ों की जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यही ठेकेदार लोग, ये ठेकेदार जो बार बार कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा भैया, हो जाएगा, कब जब कहो इनसे, हाँ भैया हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, और इधर उधर आधा तिया काम कहीं खोद खाद करके, कहीं अब और कहीं खोद रहे हैं।
तो आप लोग ठेकेदार से संपर्क करते हैं कि अधिकारियों से संपर्क करते हैं? अधिकारी कोई आता ही नहीं है, सांसद है, ये सभासद है, वो भी बेकार है, कोई मतलब का नहीं। नेता लोग तो आते होंगे ना इधर? कभी कोई आया बाहर से चला गया, इतनी गली में कौन आता है? वोट मांगने तो आते, वो बीच में आए अपना बाहरी बाहर होकर के चले गए। आप बताएं कि जिस तरह से मतलब इधर से वोट नहीं जाता है क्या लोगों को, कि चिंता नहीं है लोगों को? आप देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम आपको ये चीज़ बता दें पहली बात कि ये हमारा जो एरिया है ये संगठा जी मंदिर के पास है। संगठा जी मंदिर इज एज फेमस एज संकट मोचन ऑफ वाराणसी। संगठा जी मंदिर इज एज फेमस एज संकट मोचन ऑफ वाराणसी। उस एरिया में आप देख रहे हैं वो आउटर एरिया है। ये संकट संगठा जी का मंदिर का जो एरिया है ये बहुत ही इतने मतलब समझ लीजिए हजारों हजारों लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये पूरे मोहल्ले में सबसे नरक गली है। आप सर्वे कर लीजिए, सबका फोटोग्राफ ले लीजिए। हमने तो इसकी फ़ोटो लेकर के अपने दो चार मित्रों को भी भेजा है कि देखिए हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, ये क्योटो बन रहा है कि ये क्या बन रहा है, हम लोग को ऊपर भेजने का इंतजाम हो रहा है। 6 महीने से ये आदमी ले खोद के चले गए हैं। एक आदमी खोदता है, एक आदमी गिट्टी गिरा के चला जाता है रात को 12 बजे 1 बजे, कुछ कोई आता है तो लाल बालू गिरा के चला जाता है। उसके बाद वो बालू रोज हम लोग के घर की औरतें रोज जब सफाई करती हैं घर की, रोज 250 ग्राम बालू घर से निकालती हैं, रोज गंदगी निकालती रहती है। अब ये समझ लीजिए इस गली का हाल, हमने जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक इतना बुरा हाल हमने आज तक कभी नहीं देखा। जस्ट इमेजिन कि ऐसे कंडीशन में अगर किसी का कोई बीमार पड़ जाए, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, चाहे वो 2-व्हीलर से, 4-व्हीलर इज नॉट पॉसिबल इन दिस एरियाज, यू हैव टू गो, यू हैव इन एनी केस यू हैव टू यूज योर 2-व्हीलर ओनली। आप 2-व्हीलर से कहीं जा सकते हैं इसको लेकर, यहाँ से लेकर किसी मरीज को, या इत्तेफाकन किसी की डेथ हो जाती है यहाँ से लेकर डेड बॉडी को, कैसे आदमी जाएगा? अपना हाथ पर तोड़ेगा कि पहले डेड बॉडी को संभालेगा? मतलब कोई पुरसा हाल लेने वाला कोई है ही नहीं। बस अब देखते कहाँ हैं, जब वो प्रधानमंत्री जी आएंगे, जब योगी जी आएंगे, जब वो आएंगे उनको आउटर एरिया में घुमा दिया जाता है खाली, आउटर स्कर्ट ऑफ वाराणसी। देखिए साहब ये बहुत बढ़िया हो गया, कुछ वहाँ टूट फूट है तो वहाँ पैचिंग कर दिया, लेकिन गलियों में लोग मर रहे हैं जिनसे वोट लेकर के आप अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुँचे, नेता परिता बने हुए हैं आप लोग, उनका कोई पुरसा लेने वाला नहीं। कैसे जी रहे हो कैसे नहीं पता नहीं, घर से निकलने का मन नहीं करता बताने, आपको आत्मा रोती है कि ये कहाँ थे हम लोग, कहाँ चले गए। इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि मतलब वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतनी आत्मा रो दी है समझ लीजिए आप। और कोई छाकर नहीं आता, किसको बोले हम लोग ये बताइए, क्या हमने खुदवाने के लिए किसी को बुलाया था? इतने इतने मोटे पाइप नीचे लगे थे, फर्स्ट क्लास ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, उसको निकाल के लोगों ने इतना इतना पाइप लगा दिया नीचे, उसमें 4 दिन बाद मल फंसेगा, जाम होगा, कौन देखने आएगा, किसको फोन करते रहेंगे हम लोग ये बताइए। कुछ तो कुछ खेल हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पे, हैं तो स्मार्ट सिटी वाले ने, हमारे कैमरामैन भी स्मार्ट सिटी के काम से इतने प्रभावित हैं कि उनके भी पैर लड़खड़ा रहे। दरअसल इन्होंने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अभी गली वालों का जो आरोप है, जिस तरह की इनकी समस्याएं हैं, ये कहते हुए भावुक हो जाते हैं कि बीते दिनों की जब इनको याद आती है, इस गली की जो सूरत थी वो बदसूरत चेहरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो बाकी सारे लोग इस पर अपनी राय देंगे, और ये उन लोगों तक जरूर पहुंचे बात जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।